इस क्वेश्चन में आपको दो वायर्स गिवन है, दोनों में करंट बराबर है। इमेजिन करो ये भी आए और ये भी आए, आपको नेट बी की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट पी। तो ये एक इनफाइनाइट और ये एक इनफाइनाइट वायर है। अगर मैं ये पूछूं कि ये वायर नंबर वन है, इस इनफाइनाइट वायर ने ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर बी क्या लगाया, तो आपका आंसर क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू आई वन डिवाइडेड बाय ए, 2 आई वन बाय ए। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई। और अगर मैं ये कहूं कि बताओ कि इस वायर ने, इस इनफाइनाइट वायर ने इसके परपेंडिकुलर बी डिस्टेंस दूर बी क्या लगाया, तो आंसर क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 2 बाय ए। वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में आई वन और आई टू एग्जैक्टली सेम है, तो आप ऐसा कर क्यों नहीं करते, यहां भी आई पुट कर लें और यहां पर भी आई पुट कर लें। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? वैल्यूज निकाल लिया आपने, फर्स्ट वायर का भी सेकेंड वायर का भी, डायरेक्शन के बिना आंसर आ नहीं सकता क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो दो बी लग रहे हैं, बी द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बोले। ये जो करंट है आई टू, आई टू कहां पर है? राइट है। ये बी की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी? अगर करंट राइट है तो बी कैसे होगा? आउटसाइड। देख रहे हो, थंब अगर राइट है तो बी कैसे होगा? आउटसाइड। तो यानी कि ये जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इसमें आउटसाइड। अच्छा, इसकी बात करें, करंट अगर ऊपर है तो पॉइंट यहां पर है तो बी कैसे होगा? इनसाइड। तो बी कैसे होगा? इनसाइड। तो यहां पर क्या आएगा? इनसाइड। सही है। तो फिर से देखो, थंब करंट के साथ, तो इस वायर में करंट के साथ थंब है तो बी कैसे होगा? आउटसाइड। इस वायर में करंट के साथ थंब है तो बी कैसे होगा? इनसाइड। अब इन में से कौन बड़ा है? सबको पता है इसमें कि बी छोटा है ए से, बी छोटा है तो बी टू बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका बी बड़ा है। तो इसका मतलब नेट बी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखो, एक वेक्टर अंदर है और एक बाहर है, एक अंदर है और एक बाहर है, तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, तो कौन बड़ा है इसमें? बी टू बड़ा है। तो आंसर क्या आएगा? बी टू माइनस बी वन, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय 1 अपॉन बी माइनस 1 बाय ए, क्योंकि बी टू में से बी वन माइनस हुआ और बी टू आउटसाइड है, तो नेट डायरेक्शन भी कहां आएगी? आउटसाइड ही आएगी। जो बड़ा है उसी की सुनी जाएगी, तो नेट डायरेक्शन आउटसाइड आई। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एक वायर का बी निकालो, दूसरी वायर का बी निकालो, डायरेक्शन देखो, एक अंदर एक बाहर, तो दोनों माइनस। अगर दोनों के दोनों अंदर होते तो ऐड, दोनों के दोनों बाहर होते तो भी ऐड। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है? कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। सपोज करो ये एक क्वेश्चन है, दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, एक में 20 एम्पियर करंट है, एक में 30 एम्पियर करंट है, एक ऊपर और एक नीचे। नेट बी निकालना है पी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर और आर पॉइंट पर। पी पे शुरू करो। पहले काम करो, बाकी सभी पॉइंट छोड़ दो, पी पॉइंट पर बी निकालना है। कौन लगाएगा बी? ये लगाएगी वायर, ये भी लगाएगी वायर। बी का मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसान है इनफाइनाइट वायर का, क्या फर्स्ट वायर का क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू 20 डिवाइडेड बाय, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 10 इनटू 20 माइनस 2। इस वायर की वजह से यहां बी क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू 30 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 10 की पावर माइनस 2। मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन बोलो। इस वायर की वजह से बी यहां पर क्या होगा? इनसाइड या आउटसाइड कैसे होगा? राइट हैंड लो, थंब लो, कैसे होगा? आउटसाइड। थंब करंट के साथ है, पॉइंट यहां पर है, तो फिंगर्स कैसे आ रही हैं? आउटसाइड। तो पहले, पहली वाली वायर का डायरेक्शन क्या होगा? आउटसाइड। अच्छा, इस करंट की वजह से बी क्या होगा यहां पर? इनसाइड। चेक करें, करंट नीचे है तो फिंगर जो भी पॉइंट इस तरफ होंगे उसमें फिंगर कैसे जाएंगी? इनसाइड, इनसाइड, तो इनसाइड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू 30 डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू सबको पता है, 10 की पावर माइनस 7 है।
अब कौन बड़ा है, कौन बड़ा है इसमें, बी वन बड़ा है, डिनोमिनेटर काफी छोटा है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस, नेट बी निकालने के लिए, तो क्योंकि बी वन बड़ा है तो नेट आंसर कहां होगा, आउटसाइड टेस्ला में। अब आप सेम क्वेश्चन करें एट पॉइंट क्यू, सोचें क्या होगा, क्यू पॉइंट पे क्या होगा ये सोचें। तो Q पॉइंट पर बोलो फर्स्ट वायर का B क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्लियर है। और इस वायर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्लियर है। डायरेक्शन बोलो, इस वायर ने B यहां पर कैसे लगाना है, चेक करें, थम ये रहा, Q पॉइंट राइट है तो कैसे इनसाइड। अब इस वायर का देखें, करंट नीचे है तो कैसे होगा, इनसाइड, दोनों इनसाइड हैं, इनसाइड इनसाइड ऐड होके आंसर, और नेट डायरेक्शन भी इनसाइड, ठीक है। अब पॉइंट आर की बात करें, देखो मैग्नीट्यूड तो आर का निकाल ही लेंगे आप, फर्स्ट वायर का भी और दूसरी वायर का भी, डायरेक्शन बोलो आर में, इसकी वजह से बोलो क्या होगा, यहां पर भी इनसाइड क्या आउटसाइड, तो ये करंट नीचे कैसे, आउटसाइड आउटसाइड, और इसके अंदर करंट ऊपर है तो इनसाइड, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर राइट पे होगा तो इनसाइड ही होगा, तो करंट ऊपर तो इनसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड, तो एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस, क्या ये पॉइंट क्लियर है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, या आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी, पहली बार जब स्टूडेंट करता है ना, डायग्राम को हिलाना पसंद नहीं करता, मेरी तो मजबूरी है ना, मैं इस प्रोजेक्ट इसको पूरी स्क्रीन को कैसे हिलाऊं, कैसे हिला नहीं सकता, तो मैं खुद हिल रहा हूं, कभी मैं इधर आ रहा हूं, कभी मैं इधर आ रहा हूं, फिर कभी मैं इधर आ रहा हूं। आप लोग ना करें, आपकी थोड़ा ना मजबूरी है, कॉपी हिलाएं, दो वायर ऐसे बनाएं, तो ए अगर आप मान लो करंट ऐसे है, तो अगर ये पॉइंट इधर है तो अच्छी बात है, इधर है ज्यादा जोर मत लगाएं, या ऐसे जोर मत लगाएं, कॉपी को घुमा लें, ऐसे घुमा लें, अब मत घूमें, अब कॉपी घुमा लें, जैसे मान लो करंट इसमें ऐसे आ रहा है, ये मान लो स्क्वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, और मुझे सेंटर पे बी निकालना है डायरेक्शन, तो करंट अगर इधर जा रहा है तो ये लो, ये रहा बी, कैसे होगा अपवर्ड्स, करंट इधर जा रहा है अपवर्ड्स, करंट इधर जा रहा है अपवर्ड्स, करंट इधर जा रहा है अप, इतना जोर क्यों लगा रहा हूं मैं यार, अपवर्ड नहीं नहीं देखो करंट कैसे जा रहा है अपवर्ड, कॉपी घुमा लेते हैं, करंट कैसे जा रहा है अपवर्ड, करंट कैसे जा रहा है अपवर्ड, करंट कैसे जा रहा है अपवर्ड, तो जरूरी अपने हाथ घुमाने हैं, कॉपी घुमा लो, ये कॉमन मिस्टेक है, लोग हाथ घुमा घुमा के गलत कर लेंगे, कॉपी का पेज नहीं घुमाएंगे, तो आप कोई वायर को थोड़ा ना हिला रहे हो, करंट की डायरेक्शन थोड़ा हिला रहे हो, आप कॉपी घुमा सकते हो, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फिर से इनफाइनाइट वायर्स हैं, इस बार इनफाइनाइट वायर्स ऐसी हैं, ऐसी हैं, ये है। अब इसका डायग्राम कैसे बनाए, वो बाहर तो कॉपी के अंदर तो वायर बना के दिखाएगा नहीं, तो कह रहे हैं कि ये दो वायर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस वायर में करंट अंदर जा रहा है I1, इनफाइनाइट अंदर जा रहा है, और इसमें करंट बाहर आ रहा है I2, I1, I2, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है R। क्वेश्चन है कि आपको X निकालना है, करेक्शन कर लेना अपनी शीट में,
क्वेश्चन में आर नहीं निकालना, क्वेश्चन में एक्स निकालना है, एक्स निकालना है जहां पर नेट बी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। और आपको इस क्वेश्चन में आर पता है, आई वन पता है, आई टू पता है, सिर्फ क्या नहीं पता, तो एक्स नहीं पता। पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस चीज का आंसर दें प्लीज। सपोज आपके पास एक वायर ये रही जिसमें करंट इनसाइड है, मान लो कोई भी I1, एक वायर ये रही जिसमें करंट आउटसाइड है, मान लो I2, और मान लो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R। तो मान लो इनके बीच में डिस्टेंस इज R, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ कि मेरे को एक पॉइंट ढूंढना है इन वायर के बीच में जहां पर नेट बी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैट करते थे तो मैंने कहा ठीक है वो पॉइंट मान लो यहां पर है, सपोज ये डिस्टेंस क्या है x, तो डिस्टेंस क्या है आर माइनस एक्स। अब दोनों वायर्स इस पॉइंट पर क्या लगाएंगी, बी लगाएंगी, और अगर नेट बी जीरो चाहिए तो एक वायर का बी आउटसाइड होना चाहिए तो और एक का इनसाइड, ताकि आपस में कैंसिल कर सके। अगर दोनों आउटसाइड हो तो कैंसिल कौन करेगा, तो एक आउटसाइड और एक इनसाइड होनी जरूरी है, तभी बात बनेगी। चलो चेक करते हैं, वैल्यू को छोड़ो, बताओ I1 करंट P पॉइंट पर B कहां लगाएगी, आउटसाइड की इनसाइड, या डाउन या अप, जहां आपको हो गया आंसर बोलो। इस के अंदर अगर करंट इनसाइड है तो P पॉइंट पर B की डायरेक्शन बोलो क्या होगी, डाउनवर्ड की अपवर्ड, इनवर्ड की आउटवर्ड, आउटवर्ड डाउनवर्ड, कैसे करते हैं कैलकुलेट देखो। इसके अंदर करंट कैसे है, ऐसे है, थंब अंदर है। अगर थंब इनसाइड है तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं अपने फिंगर्स यहां घुमाऊंगा तो ये डायरेक्शन आएगी ना, मान लो ये फिंगर्स है मेरे, ऐसे घूमेंगी। और कोई अगर पूछे कि पी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट, तो आंसर कहां होगा इस बार, डाउनवर्ड, राइट। अच्छा फिर इधर देखें, अगर इसमें करंट कहां है, बाहर है, तो फिर से एक बार फिंगर कैसे घुमाऊंगा, ऐसे गोल फिंगर घुमाऊंगा। और कोई कहेगा P पर डायरेक्शन बोलो, तो डायरेक्शन क्या होगी, फिर से डाउनवर्ड, क्योंकि फिंगर नीचे आ रही है, बीबी नीचे, इसमें फिंगर नीचे आ रही है, टेंजेंट नीचे होगा, तो दोनों भी डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब यहां पर नेट भी जीरो हो ही नहीं सकता, दोनों वेक्टर डाउनवर्ड है, कैंसिल कौन करेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर जीरो होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर करंट एक में इनसाइड और एक में आउटसाइड है तो इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर नेट भी जीरो होगा, गलत है, ये हो ही नहीं सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक और चीज नोट करो, अगर करंट कैरिंग वायर्स, आपने नोट किया होगा, अगर करंट कैरिंग वायर बोर्ड के ऊपर है तो बी इनवर्ड या आउटवर्ड आता है, और अगर करंट कैरिंग वायर बोर्ड के इनसाइड है, इनसाइड है, तो बी की वैल्यू डाउनवर्ड या अपवर्ड आती है। याद रहे, अगर इनसाइड है आउटसाइड वायर है तो बी आसपास ऊपर नीचे आएगा, और अगर वायर ऊपर नीचे ऐसे है तो भी इनसाइड और आउटसाइड आएगा, आउट ऑफ प्लेन आता है, आउट ऑफ प्लेन का मतलब बाहर की तरफ आएगा, उसके अलग प्लेन में आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। इसीलिए उसने बताया क्या गया क्वेश्चन पूछने वाले ने, उसने कहा कि एक वायर में करंट इनसाइड है, एक में आउटसाइड है, इनसाइड है, उसने कहा कि जी पॉइंट यहां लाई करता ही नहीं है, पॉइंट तो यहां लाई करता है। उसने बिल्कुल सही सोचा, क्यों, क्योंकि अगर यहां पर करंट आउटसाइड है तो ये बताओ कि अगर मैं यहां पर बी की डायरेक्शन पूछूं तो क्या होगी, करंट क्योंकि बाहर है तो आई ड्रॉ, ये फिंगर्स है मेरी, फिंगर ऐसे घूमे ऊपर घूमेंगी, करंट बाहर है तो फिंगर ऊपर घूमेंगी, तो आई टू की वजह से बी कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, टेंजेंट ऊपर बनेगा, राइट। और अगर इसकी बात करते हो तो थंब अंदर है, थंब अगर अंदर है तो फिंगर्स नीचे की तरफ घूमेंगी, तो टेंजेंट कहां होगा, नीचे, तो एक नीचे और एक ऊपर, राइट। तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, इस I1 की वजह से ये दूरी R प्लस एक्स है तो ये फॉर्मूला, इस I2 की वजह से ये दूरी x है तो ये फॉर्मूला, और नेट भी क्या आना चाहिए, वो कह रहे हैं जीरो, दोनों को इक्वेट कर दो।
आपको क्वेश्चन में x निकालना है, r गिवन है, i1 i2 भी गिवन है, पुट कर लेना x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे कैंसिल करना है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ थोड़ा एक बार सोच के बताओ कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक, मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, ए है, इसमें करंट आई है, आई करंट है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये सेंटर सी है, ठीक। आपको सी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्क्वायर की वजह से। स्क्वायर चार वायर से बना हुआ है, स्ट्रेट वायर से, तो पहले बी इस वायर की वजह से, फिर इस वायर की वजह से, फिर इसकी और इसकी, फिर नेट भी आएगा। एक एक करके करते हैं, पहले ये वायर लेते हैं। इस वायर का ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो जब ये वायर ले रहे हैं इसको भूल जाओ प्लीज, ठीक है, एक सेकेंड। ओके देखो, इस वायर में जब मैं इस वायर की बात कर रहा हूं तो प्लीज इन सबको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखना है आपने। तो इस वायर में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरे का पूरा बोलो क्या होगा, ए बाई टू, क्योंकि टोटल क्या है ए, आधा क्या है ए बाई टू, तो यहां पर क्या लिखेंगे ए बाई टू, सही है, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर नेक्स्ट ये बताओ कि ये एंड पॉइंट है, ये भी वायर का दूसरा एंड पॉइंट है, बाकी सब भूल जाओ, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा 45, ये एंगल भी क्या बनेगा 45, राइट। तो ये डायग्राम ऐसा बना है, जबकि हमने पता है क्या किया क्लास में, ऐसा किया है कि अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो ए है, और अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं 45 एंड 45, आप एक मिनट में सॉल्व कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 51 52 पुट करना है, तो मिनट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 51 साइन 52 आंसर सेम, ये सेम रहा है, इसमें और इसमें कोई फर्क का है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इस फर्स्ट वायर का बी कैलकुलेट करूं तो बी क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए बाय 2 इनटू साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, बी वन की वैल्यू आएगी यहां पर। अच्छा, अगर मैं सिमिलरली बी टू कैलकुलेट करूं इसका, तो इसका डायग्राम भी एग्जैक्टली यहां पर क्या बनेगा सेम, तो बी वन और बी टू का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या बनेगा सेम। अगर मैं बी थ्री करूं तो भी डायग्राम एग्जैक्टली सेम, और अगर बी फोर करूं तो भी एग्जैक्टली सेम, तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अब क्योंकि बी तो वेक्टर है तो देखिए डायरेक्शंस, देखो फर्स्ट वायर ये रही, इसने बी कहां कॉन्ट्रीब्यूट किया बताओ, बी की डायरेक्शन बोलो क्या होगी, इसकी वजह से ये करंट है तो फिंगर्स कैसे आएंगी आउटसाइड, इसकी वजह से बोलो आउटसाइड आउटसाइड, इसकी वजह से बोलो आउटसाइड, इसकी वजह से बोलो चारों आउटसाइड है, चारों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो अब चेक करो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बराबर है, चारों आउटसाइड है, तो एक वैल्यू को चार से मल्टीप्लाई करके नेट आंसर आउटसाइड है। अब इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं ना, वही तो समझा रहा था, आप खाम खाई ऐसे ही इधर उधर मुड़ते रहेंगे, ये रहा स्क्वायर, करंट ऐसे जा रहा था आउटसाइड 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 आउटसाइड, आपको हाथ घुमाने की जरूरत भी नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रादर, ये कुछ ऐसे गिवन है कि सपोज आपके पास करंट कैरिंग वायर्स हैं, मान लो इसके अंदर जो करंट है ये क्रॉस है, मान लो आई करंट है, क्रॉस का मतलब बोर्ड के इनसाइड है, और इसके अंदर करंट कैसे है आउटसाइड है, आई करंट है, ये रहा इनसाइड है, ठीक है।
क्वेश्चन में ये गिवन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, आर है, या मेरे ख्याल से ए गिवन होगा, ए है, ए है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज ये जो एंगल है ये कितना है, 90 है, और ये पॉइंट पी है, तो इन दो वायर्स की वजह से आप यहां नेट बी निकालने क्या होगा, ये क्वेश्चन है, नेट बी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक। रूल नंबर वन, इस के अंदर करंट कैसे है, इनसाइड है, और ये वो पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो यहां से कितना है, आर है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, आर है, इक्विडिस्टेंट है, तो आर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं, ए गिवन है, तो पाइथागोरस लगा लो ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, ए बाय रूट टू, आर आ गया, ठीक है, ए बाय रूट टू, गुड आउट इसमें। अब इसके अंदर आर आ गया, अब बी की वैल्यू क्या होगी, इस वायर की वजह से बी क्या होगा, इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू इंटू आई डिवाइडेड बाय आर, आर की जगह ए बाय रूट टू, और इसकी वजह से भी एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की, देखो जब डायरेक्शंस की बात हो रही है, इसमें करंट कैसे है, इनसाइड है, तो जब मैं फिंगर्स घुमाऊंगा यहां पर तो मेरी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी पी की, क्या ये पॉइंट क्लियर है, पी वेक्टर इसकी वजह से समझ में आ रहा है, कैसे ये मेरी फिंगर्स घूमी तो गड़बड़ हो गई, ये मेरी फिंगर्स घूमी तो डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी पी की, ऐसे ऊपर नीचे भी आ सकती है, मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है कि इसके ऊपर ही क्यों आई, बताता हूं, ये पॉइंट क्लियर है। तो उसी तरीके से इसमें जो करंट है वो आउटसाइड है, तो थंब आउटसाइड है, तो मेरी फिंगर्स अगर मैं घुमाऊंगा तो आउट ऐसे घूमेंगी, बड़ी फिंगर्स होती थंब ऐसे घूमेंगी, तो डायरेक्शन कैसे आएगी, नेट बी की, ये रही बी वेक्टर, ठीक, और नेट बी क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, यानी कि अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट टू बी डाउनवर्ड्स, आंसर इज डाउनवर्ड्स। तो ये ना ऑब्जेक्टिव में आएगा एक्चुअल में, तो ऑब्जेक्टिव में आप बी वन ऑप्शन देखेंगे ऐसा कुछ आंसर मिलेगा आपको, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि बी वन बी टू ये सब कैसे ड्रॉ किया आपने, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं, सपोज आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर यहां से स्टार्ट हुई, करंट यहां से यहां आया, फिर करंट यहां से यहां गया, इनफाइनाइट, क्वेश्चन है नहीं असाइनमेंट में, ऑब्जेक्टिव में आएगा, वैसे अभी ड्रॉ करने कहीं ड्रॉ कर लो, तो ये करंट यहां से यहां गया, इसके अंदर ये जो है इसका एंगल का बाइसेक्टर है, सच दैट ये एंगल थीटा बाय टू गिवन है, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट सी गिवन है, आपको इस और इस वायर की वजह से यहां पर नेट बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक, नेट बी निकालना है। आपको क्वेश्चन के अंदर यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस आर गिवन है, आर गिवन है, आर, ठीक है, ये आर गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों वायर्स की वजह से यहां पर सी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताने क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या होगा, इसके अंदर पॉइंट नंबर वन, ये एक स्ट्रेट वायर है जो एक तरफ से इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ से फाइनाइट है, फिर ऐसी दूसरी वायर है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, पहले हम वायर नंबर वन की वजह से बी निकालते हैं, तो वायर नंबर वन की वजह से क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर
ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये वायर है, वायर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कितना है, ए है, ये रहा ए, क्योंकि स्ट्रेट वायर से हमेशा क्या लिया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो ये ए है, ए तो मुझे गिवन ही नहीं है, क्या है, कोई बात नहीं, अगर ये थीटा बाई टू, ये 90, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई टू, मैथ्स है, एक एंगल 90 है, थीटा बाई टू, टोटल एंगल का सम 180 है, तो 90 माइनस थीटा बाई टू, क्लियर है। इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बाई टू क्या होगा, बोलो, ए डिवाइडेड बाई आर, ए बाई आर, कॉस ऑफ दिस एंगल इज ए बाई आर, तो यहां से ए क्या होगा, आर इंटू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा टू। तो पहली बात तो मुझे क्वेश्चन में ए नहीं गिवन होगा, ए मुझे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वायर का यहां पर बी पे कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए, और ए को एंड में क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा बाय टू इंटू साइन ऑफ, एक एंगल तो क्लियर है बिल्कुल, कितना 90, इनफाइनाइट की वजह से एंगल क्या लगेगा 90, और दूसरा एंगल क्या बनेगा, ये रहा कितना 90 माइनस थीटा बाय टू, क्योंकि एक एंगल फाइव वन, एक एंगल फाइव टू, तो प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाय टू, जो कि सिंप्लीफाई करके कॉस 9 थीटा बाय टू हो जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, सही है। डायरेक्शन बोले, करंट यहां जा रहा है लेफ्ट, तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड, तो लिख देते हैं यहां पर इनसाइड। अब इस वायर की बात करें, इस वायर की ज्योमेट्री बिल्कुल एग्जैक्टली क्या बनेगी, सेम बनेगी, बिल्कुल सेम सिमेट्री है ना, तो बी का मैग्नीट्यूड इसका भी एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम, दोनों वायर्स का क्या आएगा, सेम। सॉल्व क्या करना, पता ही सिमेट्री है। डायरेक्शन बोलो, इसमें करंट कहां है, ऊपर है, तो सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनसाइड, क्योंकि अगर ये ऊपर है तो सी पॉइंट पर फिंगर्स क्या जा रही हैं, कहां पर, इनसाइड, तो इसकी वजह से इनसाइड, इसकी वजह से इनसाइड, नेट बी क्या होगा, दोनों बी की वैल्यूज को क्या कर देना है, एड, और एंड में क्या लिख देना है, इनसाइड। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है।